और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली हिंसा से जुड़ी जो खबर आ रही है। दिल्ली हिंसा मामले में लखा सदाना पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। पंजाब में पहले से एफआईआर दर्ज है लखा पर। आपको बता दें कि 20 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। लाल किले पर हुई हिंसा का आरोपी है लखा सदाना। लखा पर किसानों को भड़काने का आरोप भी है। सिंघू बॉर्डर पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है लखा सदाना पर। पंजाब में भी मुकदमे दर्ज हैं। एफआईआर की कॉपी जो पंजाब में 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है वो इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये एफआईआर की कॉपी है और देखिए 20 से ज्यादा मुकदमे पहले से दर्ज है। और जिस तरीके से लखा सदाना ने फिर से एक बार भड़काऊ भाषण दिया, 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ, ये तमाम लोग हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं और इन तमाम लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी। एफआईआर फिर से दर्ज की गई है, पहले से 20 मुकदमे चल रहे हैं। बिल्कुल, लखा सदाना और ये एफआईआर की कॉपी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पंजाब में 20 से ज्यादा मुकदमे लखा सदाना पर दर्ज हुए हैं। एफआईआर की कॉपी सबसे पहले जे हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं, क्योंकि ये तमाम लोग हैं जो कि किसानों की आड़ में जो दंगा फैलाया गया दिल्ली में उसके लिए जिम्मेदार है। और अब देखिए एक के बाद एक वो तमाम किसान नेताओं पर कार्रवाई होती हुई। तो लखा पर किसानों को भड़काने का आरोप है और पंजाब में इस वक्त देखिए कई मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज है। एफआईआर की कॉपी आप देख रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर श्वेता, लाल किला हिंसा मामले में दीप सिद्धू पर एफआईआर दर्ज है। लाल किला और सेंट्रल दिल्ली में हिंसा का आरोप दीप सिद्धू के ऊपर भी है। 26 जनवरी को लाल किले पर उपद्रव का यह पूरा मामला है, जिसके बाद अब दीप सिद्धू पर एफआईआर दर्ज की गई है। लाल किला और सेंट्रल दिल्ली में हुई हिंसा का आरोप है। इस वक्त लाल किले से हमारे साथ मौजूद है रमन। रमन और दीपिका हमारे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। रमन, ये लगातार जिस तरीके से नाम सामने आ रहे हैं और एक के बाद एक एफआईआर, इन सब के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। देखिए बिल्कुल श्वेता, इस वक्त हम लाल किले पर खड़े हैं और इस वक्त अगर हम दिखाना चाहेंगे आपको कि जो फोर्स डिप्लॉयमेंट है वो लगातार यहाँ पर बढ़ा हुआ है और हर सुबह यहाँ पर चेंज होती है, फोर्स चेंज होती है। तो इस वक्त यानी रात की शिफ्ट में जो लोग थे वो चेंज हुए, अब नई जो फोर्स डिप्लॉयमेंट है वो यहाँ पर होनी शुरू हो गई है। और जो उस दिन हादसा हुआ है उसके बाद से फोर्स काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर डिप्लॉय कर दी गई है और प्रशासन अब कोई भी चूक नहीं करना चाहता, क्योंकि अभी भी लोग यहाँ पर जुटते हैं, किसान यहाँ पर आके जुटते हैं और यहाँ पर देखा जाता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो इसलिए अभी कोई भी चूक प्रशासन की तरफ से कोई करना नहीं चाहता और ये पूरा का पूरा जो इलाका है वो फोर्स के पास है और अब यहाँ से भी आप अंदर नहीं जा सकते हैं। लाल किले में यहाँ पे बैरिकेटिंग कर दी गई है। बिल्कुल, आम दिनों में आपको लाल किले के बाहर इतनी कड़ी सुरक्षा देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन 26 जनवरी को जो नजारा, जो मंजर पूरे देश ने देखा, उसके बाद यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। जैसे जैसे दिन बीतेगा और भी कई बड़ी बातें इस वक्त जी हिंदुस्तान आपको लाल किले से बताता रहेगा। तो श्वेता, अगर पूरे इस मामले की बात करें तो अभी जितने भी बॉर्डर हैं, चाहे सिंघू बॉर्डर है, टीकरी बॉर्डर है या फिर गाजीपुर बॉर्डर है, वहाँ पर किसान बने हुए हैं। हालांकि जो चिल्ला बॉर्डर था, जो कि बीकेयू भानू का था, भारतीय किसान यूनियन भानू का जो गुट वहाँ पर था, वो वापस चला गया, तो वो रास्ता खुल गया है। लेकिन रात भर गाजीपुर की जो बॉर्डर थी वहाँ पर भी लाइट काट दी गई थी, लेकिन किसान वहाँ पर डटे हुए हैं, वो वहाँ से हट रहे नहीं है। लेकिन एक ग्रुप ने, जो वीएम सिंह का गुट था, उसने वहाँ से वापस जाने की बात कही है, वो गुट वहाँ से चला गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो कौन लोग थे जो कि यहाँ पहुँचे, जिन्होंने लाल किले में तिरंगे का अपमान किया और उसके पीछे किसकी साजिश थी, और ये किसान नेता इस बात से बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये उनकी जिम्मेदारी बनती है और वो इस जिम्मेदारी को दीपिका छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जब आप पूरे आंदोलन की बात करते हैं और जब आप पुलिस के पास गए थे तो आपने एनओसी पर साइन किए थे कि इस तरह की कोई घटना नहीं होगी। बिल्कुल, और इसी एनओसी को साइन करने को लेकर के भी आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे किसान नेता, क्योंकि कह रहे कि हमने कुछ गुट थे ऐसे जो गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे थे, जो रूट्स दिए गए थे उसी पर हम चल रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे तत्व भी वहां पर मौजूद थे जिन्होंने नए रूट पर वो घुस गए बिना परमिशन के, यानी कि गाइडलाइंस की सीधे सीधे धज्जियां। सवाल यही उठता है कि जब तय शर्तों के साथ आपको इजाजत मिली थी तो फिर इन शर्तों का उल्लंघन क्यों किया? रमन, दीपिका, आप बने रही हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, वो ये कि दिल्ली हिंसा के बाद देखिए अब किसान आंदोलन में फूट दिखाई दे रही है। दो किसान यूनियन आंदोलन से अलग हो चुके हैं। जी हाँ, बीकेयू भानू और वीएम सिंह का टिकैत पर गंभीर आरोप भी है। भानू गुट ने भी आंदोलन से अलग होने का ऐलान कल ही कर दिया। दिल्ली हिंसा से दुखी होकर आंदोलन से हटने का ऐलान किया गया है। तो ये दो संगठन जो है
पहले ही ऐलान कर चुके हैं अब किसान आंदोलन से ये दूरी बनाएंगे, अलग होंगे और अपने अपने संगठन के लोगों से भी आह्वान कर चुके हैं कि वापस हो जाइए, हम ये तस्वीर नहीं चाहते थे। सुमित हमारे सहयोगी टिकरी बॉर्डर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, दो किसान संगठनों ने अब दूरी बना ली है, अब देखना ये होगा आने वाले दिनों में और कैसे कैसे किसान संगठन जो होते हैं वो दूरी बनाते हैं इस किसान आंदोलन से। बिल्कुल श्वेता, ये तो होना ही था क्योंकि आंदोलन जो है वो पूरी तरह से बढ़ चुका है और आंदोलन दो फार हो चुका है और देखिए ये सिलसिला अब यहाँ से शुरू हो गया है क्योंकि कल ही जो भारतीय किसान यूनियन भानु ग्रुप है वो अलग हो गया है और इसके अलावा जो बीएन सिंह वाला जो गुट था वो भी अलग हो गया है। यानी कि दो अहम बॉर्डर यानी कि चिल्ला बॉर्डर तो पूरी तरह से खाली हो चुका है क्योंकि वापस अपने घर को किसान लौट गए हैं क्योंकि जितने भी चिल्ला बॉर्डर पे किसान थे श्वेता वो एटा जिला से थे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता है। इसके अलावा गाजीपुर में जो बीएन सिंह का जो गुट था जो राकेश टिकैत का एक तरह से प्रतिबंधी गुट माना जाता था वहाँ से भी बीएन सिंह अपने समर्थकों के साथ वापस लौट चुके हैं। तो ऐसे में उल्टी गिनती इस आंदोलन की शुरू हो गई है। इस वक्त मैं टिकरी बॉर्डर पर मौजूद हूं और यहां देखिए यहां जिस तरह से परसों यानी कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो तांडव मचाया गया था उपद्रवियों की ओर से उसके बाद आप सुरक्षा व्यवस्था आप देख सकते हैं किस तरह से यहां अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। आपके पास लौटेंगे सुबह तो टिकरी बॉर्डर की भी तस्वीर देखेंगे लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है वो अपने दर्शकों को बता दें। बड़ी खबर ये है कि देखिए गाजीपुर बॉर्डर पर रात भर खौफ में किसान बैठे रहे, बिजली काटे जाने के बाद किसानों पर लाठीचार्ज का खौफ सता रहा है क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर पर रात भर पहरेदारी करते हुए किसान नजर आए। राकेश टिकैत भी रात भर जागते रहे। प्रत्यूष इस वक्त और निजाम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रत्यूष, जिस तरीके से गाजीपुर में बिजली काट दी गई बावजूद इसके किसान डटे रहे, वीएम सिंह का गुट जो है वो तो अलग हो चुका लेकिन बावजूद इसके वो लोग डटे रहे। हालांकि आप सिंगो बॉर्डर पर मौजूद है लेकिन खबर आपको भी पता होगी। जी देखिए, अब जितने भी बॉर्डर से हालात अब ये हैं श्वेता, क्योंकि जिस तरीके से हिंसा हुई और 26 तारीख को लाल किले पर जो तस्वीरें सामने आई उसके बाद से कई किसान जिसे हम सच्चे किसान कहते हैं वो जो इस आंदोलन से जुड़े थे उनका मन फट गया। उन्होंने खुद कहा कि अब हमें इस आंदोलन से कोई मतलब नहीं है क्योंकि जिस आंदोलन को जो गलत दिशा में ले गए लोग उसकी वजह से हमें ठेस पहुंची है। बहुत सारे लोग लौट चुके हैं कि वे गाजीपुर बॉर्डर में जब मैं कल था वहां पर हमने देखा कि गाजीपुर बॉर्डर में जितनी भीड़ रहती थी कल उतने लोग नहीं थे। हमने पूछा ऐसा क्यों, उन्होंने कहा कि कई सारे लोग आए थे 26 तारीख को परेड में शामिल होने के लिए और हलचल सी है, वो वहां से खाली होकर के जा चुके हैं। सिंगू बॉर्डर हो या टिकरी बॉर्डर हो अब वहां पर उतनी तादाद में आपको किसान नजर नहीं आएगा लेकिन किसान अभी भी है। सिंगू बॉर्डर पे जरूर अभी भी किसानों का एक मजबा है वहाँ पे लेकिन वहाँ पे भी एक हलचल है, एक अजीब सी हलचल है जो 26 गणतंत्र दिवस पे जो हालात देखे और जो हालात हुआ और जिस तरीके से दृश्य बने उसके बाद उनके अंदर भी एक कह सकते हैं बेचैनी है, उनको लगता है कि कुछ गलत हुआ है। मुझे मेरे ख्याल से निजाम जरा हमें तस्वीरें भी दिखा देनी चाहिए। देखिए फोर्सेस जो है अभी भी पूरी तरीके से तैयार है। देखिए सीआईएसएफ के जवान हैं और दिल्ली पुलिस के भी जवान हैं और हर नाके पर तैयारियां पूरी करके रखी गई हैं क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो उससे कैसे निपटा जाए इसकी पूरी तैयारी की जा चुकी है। बिल्कुल, लेकिन देखिए जब से लगातार हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सिंगू बॉर्डर पर भी जो लगातार है जवानों की तैनाती बढ़ती जा रही है और अभी करीब 10 से 12 जो ये बसें हैं जो जवानों वहाँ पर भी अब किसान अपने घर की तरफ लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। निजाम और प्रत्यूष आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर ये है कि दिल्ली नोएडा बॉर्डर से अब प्रदर्शनकारी हटते हुए दिखाई दे रहे हैं, ट्रकों में सामान भरकर वापस लौट रहे हैं आंदोलनकारी। आंदोलन में हिंसा से नाराज होकर किनारा किया जा रहा है, टेंट उखड़ने के बाद सड़क जो है वो खुल गई है और धीरे धीरे ये आंदोलनकारी जो है अपने घरों की ओर रुख कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ साफ सफाई की जा रही है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, तस्वीरें तो आप देख रहे हैं दिल्ली नोएडा बॉर्डर की जहां पर ये पूरा का पूरा जो जाम लगा हुआ था किसानों के आंदोलन की वजह से वो खुल गया है। लेकिन एक और बड़ी खबर, सिख फॉर जस्टिस पर अब शिकंजा कस चुका है SFJ पर UAPA के तहत केस दर्ज हुआ है, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। UAPA देशद्रोह के तहत केस दर्ज किया है, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसके तहत दिल्ली पुलिस ने 15 दिन पहले FIR दर्ज की थी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं।
जी हिंदुस्तान पर यह खबर लगातार बनी हुई है, लेकिन तमाम हमारे रिपोर्टर्स मौजूद है सिंघू बॉर्डर से। देखिए प्रत्युष हमारे साथ मौजूद है और उनके साथ निजाम मौजूद है, और लाल किले से हमारे साथ रमन और दीपिका मौजूद है। श्वेता जी हाँ, और ग्राउंड जीरो पर हमारे तमाम सहयोगी मौजूद है, और तमाम अपडेट्स किसान आंदोलन से जुड़ी हुई हम आपको देते रहेंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जी हिंदुस्तान।